हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको मावा बनाना बताऊंगी कि कैसे आप मावा बना सकते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ कुछ ही हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे कि हम अपना जो मावा है बहुत ही अच्छा बना के रेडी कर लेंगे चलिए हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें शेयर करें एंड मुझे कमेंट डाउन करके बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है चलिए हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फुल क्रीम अमूल मिल्क लिया है टू लीटर मैं इसको पैन में ऐड करूंगी कढ़ाई में ऐड करूंगी उसके बाद हम इसका मावा बनाएंगे देखिए फटाफट फड़ से चलिए मैं इसको ऐड कर लेती हूँ मैं पहले यहाँ पर ऐड करूँगी वन फोर्थ का वाटर वाटर ऐड करना इसलिए जरूरी है अगर आप वाटर नहीं ऐड करेंगे तो आपका जो दूध है वो कढ़ाई में लग जाएगा इससे क्या होगा इससे हमारा जो दूध है वो कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा बिना लगे बहुत ही अच्छा मावा हमारा बन रेडी होगा होता क्या नहीं तो हमें कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है इसमें क्या होगा हमें कंटिन्यूसली चलाना भी नहीं पड़ेगा और हमारा जो मावा है वो बहुत अच्छा बन के रेडी होगा देखिए हमारा जो दूध है वो बॉयल हो गया है और मैं इसकी फ्लेम अब थोड़ी सी लो कर दूंगी क्योंकि दूध है एकदम से निकल जाता है इसलिए इसकी जो फ्लेम है मैं इस थोड़ी सी लो कर दूंगी इसकी जो फ्लेम और हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना भी नहीं पड़ेगा और बिना लगे हमारा जो मावा है एकदम परफेक्ट बनके रेडी हो जाएगा देखिए मैंने इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी लो कर दी थी तो देखिए फिफ्टी मिनट बाद ये कितना पक गया है हाफ हो गया है थोड़ा सा हाफ हुआ है अभी ज्यादा तो नहीं हुआ है और मैं इसको एक बार साइड से अच्छे से चला देती हूं देखिए थोड़ी देर बाद मैंने इसको दोबारा से चेक करा है मैं इसको कंटिन्यूसली नहीं चला रही हूँ फ्लेम लो करके बस मैंने इसको रख दिया है देखिए हाफ आवर्स इसको रखे हुए हो गया है और मैं इसको देख रही हूँ कि थोड़ा सा ये बिल्कुल हाफ अप हो गया है इसके साइड से हम ये हटा देते हैं और फिर हम इसको अगेन रख देते हैं लो फ्लेम पे देखिए लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया बिल्कुल भी ये नहीं लगा नहीं तो होता क्या तली में लग जाता है देखिए हमारा जो मावा है बन के रेडी होने वाला है आप देख सकते हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में हमारा परफेक्ट मावा बन के रेडी हो जाएगा घर का एकदम प्योर मावा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही अच्छा हमारा जो मावा है बन के रेडी हो जाता है और मैं इसको कंटिन्यूसली चला भी नहीं रही हूँ तब भी ये इतना अच्छा मावा हमारा बन के रेडी हुआ है देखिए अब ये एकदम से बनने ही वाला है कुछ ही बस टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में बन के रेडी होने वाला है इसलिए मैं इसकी जो साइड्स हैं वो हटा रही हूं और मैं इसको ऐसे चलाती रहूंगी इसकी जो फ्लेम है हल्की सी मैंने हाई कर दी है आप देख सकते हैं हमारा जो मावा है बन के एकदम से रेडी हो गया है अब मैं आगे, आगे आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ अभी तो मैंने आपके साथ मावा की रेसिपी शेयर करी है अब मैं मावा का यूज़ करके बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें कर जल्दी से ही हमें एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए देखिए हमारा जो मावा है एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गया है मैंने जो उसकी फ्लेम है वो ऑफ कर दी है ऑफ करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चला देती हूँ देखिए साइड से भी मैं हटा देती हूँ बिल्कुल भी हमारा जो मावा है वो कढ़ाई में नहीं लगा इसकी जो फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है देखिए, मैंने इसको ज्यादा थिक नहीं करा है क्योंकि ठंडा होने के बाद बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा तो देखिए हमारा जो मावा है एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गया है घर का एकदम प्योर मावा और ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें एंड मुझे फीडबैक कमेंट डाउन करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और जो भी मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ करें अपनी रेसिपी में वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दिए हैं तो आप वहाँ से देख लें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय